नवगछिया शहर की आंचलिक संस्कृति का जब भी जिक्र होता है तो खिरने नदी को लोग जरूर याद करते हैं। खिरने ने नवगछिया को बहुत कुछ दिया है। आज भी यह नदी किसी को नाराज नहीं करती, लेकिन वर्तमान में अब इस नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। कभी स्वच्छ और धवल आंचल वाली खिरने नदी आज मैली हो गई है और कई जगहों पर तो इस नदी का अस्तित्व ना के बराबर दिखाई दे रहा है। बता दें कि महज 6-7 दशक पूर्व इस नदी का जुड़ाव कोसी की मुख्य धारा से था, लेकिन कालांतर में बांधों के निर्माण के कारण यह नदी कोसी की मुख्य धारा से कट गई। मील टोला से यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और पुराने एक्सचेंज ऑफिस के पास यह यू टर्न होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने लगती है, जबकि मक्खा तकिया में यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वहीं भागलपुर के विभिन्न शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इतना बड़ा जल संचयन का स्रोत कहीं भी नहीं है, लेकिन खिरने नदी में आज भी सालों भर पानी रहता है, जिसके कारण नवगछिया शहर में आज भी वाटर लेवल बेहतर है। हालांकि आबादी बढ़ने के साथ ही खिरने नदी के तटों के भूभाग पर अतिक्रमण हो गया और लोग बहती नदी में भी पिलर बनाकर भवन खड़ा कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ विगत 5 वर्षों में यह नदी नगर पंचायत के लिए कचरा डंपिंग जोन बन चुकी है और जगह जगह कचरे का अंबार लगाया जाता है और शहर के कई नालों और शौचालयों की गंदगी का प्रवाह भी नदी में ही किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ता मुकेश कुमार ने कहा कि एक ओर सरकार जल जीवन हरियाली को अभियान के रूप में लेकर कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जबकि खिरने नदी जैसे बड़े जल संचयन का स्रोत बर्बाद होने के कगार पर है। साथ ही कहा कि वे इसकी जानकारी पदाधिकारियों को देंगे और जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय में रीट भी दाखिल किया जाएगा। रूरल वाटर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि खिरने नदी नवगछिया के लिए लाइफलाइन है, लेकिन प्रशासन और आम लोगों की लापरवाही के कारण इस नदी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है, जो नवगछिया वासियों के लिए घातक साबित होगा। इधर नवगछिया SDO अखिलेश कुमार ने कहा कि खिरने नदी के अतिक्रमण से संबंधित शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है और जल्द ही इसकी जांच कराकर रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। उसके लिए पब्लिक पिटीशन भी आया है खिरने नदी का अतिक्रमण करने के लिए और दैनिक प्रभात खबर है उसमें भी इसका समाचार प्रकाशित हुआ था, तो उसी के मद्देनज़र CEO को हमने निर्देशित किया है कि इसका जांच कर नापी कर अगर अतिक्रमण है तो उसे अतिक्रमणवाद चलाकर इसका अतिक्रमणवाद को हटाएं, अतिक्रमण को हटाएं। आगे की प्लानिंग नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी उसके चेयरपर्सन से बातचीत होगी सौंदर्यीकरण के संबंध में। प्लानिंग यह है कि उसकी उड़ाही की जाए ताकि माननीय मुख्यमंत्री का जो जल जीवन हरियाली है उस पर हम लोग काम कर सकें जल संरक्षण के लिए, ताकि वाटर लेवल वो नीचे नहीं जाए। और अगर अतिक्रमण होते रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि खिरने नदी का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, तो वाटर लेवल की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए और उसमें और भी देखा जाएगा लोकल स्तर पर नगर परिषद से कि एक पार्क बनाया जाए किनारे किनारे, ताकि लोगों को मॉर्निंग वॉक या ये सब जो है और पानी में बच्चों का बोट वगैरह ये सब आगे की है। अभी संभावना है, एक सप्ताह का समय हमने दिया है CEO को कि एक सप्ताह में आप नापी कर हमें सूचित करें और अगर अतिक्रमण है तो इसका अतिक्रमणवाद चलाकर उसको अतिक्रमण मुक्त कराएं। जबकि नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने खिरने नदी को नवगछिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अगर सौंदर्यीकरण किया जाए तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही कहा कि इसे जल मार्ग के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। देखिए, एक हम लोग दिमाग में था एक वैकल्पिक मार्ग देने के लिए, जो अभी तो मकनपुर से तो वन वे हो गया है टोटो का ऑटो का, और दूसरा ये मकन ये मक्खा तक जो गाड़ियाँ आएगी उसके लिए वैकल्पिक मार्ग क्या देंगे। यदि बाजार देते हैं बाजार में फिर जाम लग जाएगा, वो जो खरने जो बांध है बांध अच्छा वैकल्पिक मार्ग हो सकता है। हमने सर्वे किया था, उस बांध पे कई लोग घर बना लिए, और हमें ये नहीं जानकारी है वो घर इंक्रोच करके है कि वैध अवैध, ये हम अनुरोध करेंगे CEO साहब से देख लेंगे कि यदि वो जो घर बना हुआ यदि अवैध है तो यदि रास्ता वो हमने देखा था बांध पे यदि वो रास्ता हो जाता है तो मक्खा तकिया से वैकल्पिक मार्ग
हो जाएगा आपका बाजार आने ना, इसे देने से बाजार जाम हो जाएगा। और वो जो मकान जो बना लिया बांध पे, और वो देखना होगा क्या वो इलीगल है या लीगल है या लीगल है। यदि वो बन जाता है कि अच्छा जगह है, हम लोग चाहे डेवलप कर सकते हैं, लोकल जनप्रतिनिधि हमारे सब सामने बैठे हुए हैं, चेयरमैन भी हैं, SDO साहब भी हैं, वो अच्छा सा वो बोटिंग हो सकता है, कैफेटेरिया वहाँ खुल सकता है, लोग वहाँ पर जा सकते हैं, फैमिली लेके जा सकते हैं, एक बेहतर एक जगह डेवलप हो सकता है। नगर के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी हम लोग के पास नगरवासी का एक आवेदन आया था, खरने नदी को अतिक्रमित कर लिया गया है, उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है, उनके द्वारा जांच कराई जा रही है, जो भी अतिक्रमित मकान है उनको तोड़ के हम लोगों का ये प्रस्ताव है कि उसको जल जीवन हरियाली को देखते हुए उस पोखर का सौंदर्यीकरण करने का, चारों तरफ से रोड अप्रोच रोड एवं लाइट की सुदृढ़ व्यवस्था करने की व्यवस्था है, उसमें वोटिंग के लिए वोट भी दिया जाएगा, जो शहरवासियों के लिए एक अच्छा होगा, जाने के बैठने के लिए घूमने के लिए अच्छी जगह। नगर प्रसाद प्रेम सागर, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि।